आई एम अशोक सोलंकी। मैं आज आप लोगों को एक्सेल 2007 में ABS फार्मूला के बारे में बताना चाहूँगा। ABS फार्मूला क्या करता है, जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसे पॉजिटिव में करता है। पॉजिटिव में कैसे, हमारे पास एक प्रोडक्ट नेम है, कीबोर्ड है, माउस है, LCD है, मॉनिटर है, कंप्यूटर है। इसमें क्या है कि ये इसमें प्रोडक्ट जो हमारी कंप्लीट है, हमारे प्रोडक्ट वो है हमारे 30, 45, 67, 80, 20, यानी कंप्यूटर 20 कंप्लीट है, मॉनिटर इतने बन चुके हैं। हमारे पास ऑर्डर आया था 56 कीबोर्डों का, हम पे कंप्लीट हो पाए 30। उसके बाद हम पे ऑर्डर आया 50 का, हम पे कंप्लीट हुए 45। हम इसके बाद हमारे 70 उनका ऑर्डर आया था, 67 हो। लेकिन अगर हम बात करें कि जो टोटल ड्यू बचा, जो बच रहा है वो कितना हुआ, तो हम इक्वल करेंगे और इसमें से कितना थे इसमें से माइनस इसको करेंगे, तुम्हारा आप देखेंगे 26 आ गया, वो भी आपकी 26 आया माइनस में। आप इसी तरीके से ड्रैग करेंगे तो आप देखते ही रहेंगे कि 26 की जो अब इसमें 26 रह गए, इसमें 5 रह गए, अभी इसमें माइनस 3 रह गए, कंप्लीट हो गया, इसमें 3 फिक्स एडवांस हुआ क्योंकि 17 की कम थी और 20 हो गया, इसमें एडवांस हो गया। अगर हम इस तरीके की कोई भी माइनस में वैल्यू आती है, इस तरीके की कोई भी सीट आती है उसमें वैल्यू आती है, तो आप उसके एवरेज निकालेंगे तो एवरेज फिक्स नहीं आता है क्योंकि वो माइनस में होता है। आप देखेंगे एवरेज निकालता हूँ और कुछ तो माइनस सिक्स आया। अगर आप यही वैल्यू पॉजिटिव में होती, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव में होती तो वैल्यू एवरेज अलग आएगा। इसलिए आप इसको क्या करें, ABS फार्मूला यूज करेंगे जिससे जो प्लस में जो माइनस में वैल्यू थे प्लस में हो जाएंगे। कैसे आप देखेंगे, इक्वल ABS, ABS टाइप क्या, इसमें करेंगे इसमें माइनस इसको पोस्ट, आप देखेंगे माइनस में था किसमें अपोजिट, ये प्लस में हो गया, ये पाई किसमें प्लस में हो गया, ये इसमें हो गया, ये हमारे जो माइनस में थे वो पॉजिटिव में ही ABS फार्मूला काम करता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे, इसमें हमारे मैथ एंड टेक्नोमेट्री की बात कर रहे थे, इसमें सीलिंग हो गया। इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, अभी जब चल रहे हैं तो यहाँ पे अभी फैक्ट फैक्ट देखते हैं, फैक्ट क्या होता है, इसका फैक्ट निकालते हैं, इक्वल इक्वल फैक्ट, फैक्ट क्या करता है, इस पर फाइव पे हम पोस्ट को इसका 120, फैक्ट का मतलब बताते हैं, फैक्ट का मतलब होता है कि जैसे आगे 1 से लेकर 5 तक के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे इक्वल, आप देखिए इक्वल फैक्ट निकालते हैं, इक्वल 1 × 2 आपस में गुणा करता रहेगा, ये 3 आप देखेंगे 120 इस तरीके से गुणा करता है, इसे हम फैक्ट कहते हैं। इसके बाद हमारा क्या है, फैक्ट इक्वल फॉर्मूला कराते हैं हम आगे, LCM कैसे निकालता है, LCM 20, 50, 15 इनका ऐसी कोई संख्या जो सबको एक संख्या कौन सी जो सबको काट रही है वो LCM होता है, LCM आप जानते हैं, नहीं LCM तो सबको निकालता है, वो तो हमारा अलग होता है, LCM निकालेगा, LCM निकालना चाहते हैं आप, LCM निकालेगा नंबर इसका कॉमा इसका कॉमा इसका कोस्ट बन जाएगा 300 LCM के LCM निकालना, 3 LCM निकाल देता। और आगे निकालेंगे एक और फॉर्मूला, LCM के बाद अगर हम बात करते हैं, अभी मैंने कहा था कि इन सब की जो निकालता है वो क्या है, अगर जो इन सब का वैल्यू निकालता है कि कौन सी ऐसी संख्या जिससे सारे निकलते हैं, तो अभी निकालते हैं GCD, GCD करेगा इसे काम, इक्वल GCD ये वाला नंबर कॉमा ये वाला नंबर कॉमा ये वाला कोस्ट बन 5 ओके तो ये कौन सा है GCD, ये GCD फार्मूला था जो इन सबको निकालता है। GCD का क्या, तभी तो निकाला है कॉमन फैक्टर इसका, अरे इसने बताया ना कि ये जो 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 भी संख्या हमें दी है 20, 50, 15 ये संख्या इन संख्याओं को ऐसी संख्या बताई जो एक ही संख्या काट रही है, तो उसने GCD से निकाल दिया 5 संख्या है जो इन सबको काट रही है। अगर इसमें आप 5 नहीं देखो
13 दीजिए, 13 काटेगा देखो 13 5 नहीं काटेगा, देखो कुछ और ही आएगा संख्या, 1 आया। तो चौर को संख्या नहीं तो 13 को काटता है, इसलिए इसने 1 दे दिया, 1 संख्या ऐसी जो सबको काटेगी। तो इसलिए इसमें यहाँ पर LCM लिख LCM क्योंकि LCM निकाला। ओके, तो इसी तरीके से हम इन सबको काट लेंगे। ओके, थैंक यू।